Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and welcome back to another vlog. क्या हाल है जी सबका, आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. तो मेरा जो है वो दिन शुरू हो गया है और बाहर जो है वो बहुत ही प्यारी प्यारी बारिश हो रही है. ये चेक करें जी, बारिश भी हो रही है और अभी मुझे लगता है रुक गई है, लेकिन रात से लगी हुई है बारिश हल्की 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 हल्की, लेकिन अभी जो है वो रुक गई है. तो मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया है, बड़ा खूबसूरत सा हो गया है. तो बस बच्चे स्कूल चले गए हैं, अदील ऑफिस चले गए हैं, तो इस टाइम जो है वो मैं अकेली हूँ घर में. तो बस जी मैं जा रही हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए. यहाँ पर जी मैंने रखी है चाय और इसके अंदर है जी अंडे, अंडे बॉयल हो रहे हैं और मैंने चाय रखी है. ब्रेड मैंने अपनी टोस्टर में लगा दी है. तो बस नाश्ता करते हैं. चलिए जी नाश्ता मेरा रेडी है. मैंने लिया ये मल्टीग्रेन ब्रेड, इसके ऊपर मैंने पीनट बटर लगाई और थोड़ी सी ये कैरमल सॉस, और साथ है जी मेरे ये दो बॉयल एग एंड चाय. और मैंने जो है वो थोड़ी बहुत डाइटिंग शुरू की है, नॉट डाइटिंग, थोड़ा सा हेल्दी खाना शुरू किया है, क्योंकि आप लोगों को लग ही रहा होगा, पता तो चल गया होगा आप लोगों को कि मेरा वेट जो है वो अच्छा खासा गेन हो गया हुआ है. आई डोंट नो क्यों. हाँ एक ही वजह है इसकी वेट गेन होने की, कि मैं ना मुझे मैंगो मिल्क शेक बहुत पसंद है और मैंने जो है ना वो गर्मियों में मिल्क शेक दबा के पीती हूँ, वो भी रात को पीती हूँ. ये बड़ा मैं मुझे पता भी है मैं गलत करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ ना. तो खैर काफ़ी लोगों ने ये भी नोट किया कि मैं मोटी हो गई हूँ. तो हाँ जी मैं थोड़ी सी मैं मोटी हो गई हूँ और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी जो है वो कम हो जाऊँगी, थोड़ा सा हेल्दी खाऊँ. अब कोशिश की है मैंने, तो इसलिए मैं ज़रा आजकल थोड़ी सी डाइट पे हूँ और देखते हैं कब तक डाइट पे रहती हूँ, कब तक मेरी, क्योंकि मैं जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकती डाइट पे. बहुत मुश्किल से डाइट होती है मुझसे, मुझे डाइट नहीं होती अभी. ठीक है जी, तो खैर जी अब ये नाश्ता करते हैं. तो चलिए जी नाश्ता मैंने कर लिया था और नाश्ता करने के बाद हो गई हूँ मैं थोड़ी सी फटाफट से रेडी, क्योंकि जो है ना मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ होम डेकोर की चीज़ें जो कि मैंने ऑर्डर की हैं और फाइनली वो मुझे रिसीव होगी हुई हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ ही उसको अनबॉक्स किया जाए, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैंने क्या मंगवाया हुआ है. तो कुछ खैर होम डेकोर की हैं, कुछ बेडशीट्स वगैरह हैं, तो सब कुछ मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी. तो मैं जी नाश्ता करी थी और काफ़ी देर से यहाँ पर जो है ना बारिश स्टार्ट हुई हुई है, हल्की 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 बारिश हुई जा रही हो. इतना मज़े का मौसम हो गया है ना कि सही मज़ा आ रहा, दिल कर रहा है कहीं जाने का, लेकिन कहाँ जाए. ठीक है जी, तो बस मैं जो है वो चले अब चलते हैं और जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या मैंने मंगवाया है. चले जी अब मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखें जी ये कुछ पार्सल्स हैं और इनको जो है वो मैं ओपन करती हूँ आप लोगों के साथ, और ये चेक करें कि ये जावेर ने इसके ऊपर क्या क्या कुछ बनाया हुआ है. जो चीज़ इसको मिलती है वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है बनाने के लिए. अच्छा पंखा लगा हुआ है और पंखे का शोर आएगा, तो मैं पंखा बंद कर देती हूँ. और ऐसा है कि आप लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आती है या बहुत शोर आता है, तो मुझे ये वजह लगती है कि शायद एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ ही घर बन रहा है, उसका भी थोड़ा बहुत शोर आता है, और दूसरा ये कि घर थोड़ा बड़ा है, खाली खाली है थोड़ा. इस वजह से आई थिंक सो कि आवाज़ में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम होती है. किस किस को लगता है कि जो है ना मेरी आवाज़ ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही. मैंने तो सब तरीके करके देख लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे दो तीन कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी आवाज़ अब क्लियर नहीं आती, पहले बहुत अच्छी आती थी. तो मुझे तो ये वजह लगती है कि शायद थोड़ा सा घर का है कि वो थोड़ी सी गूंजती है आवाज़, थोड़ा सा खाली है, तो इस वजह से मुझे लगता है ना. तो बाकी मैंने पिछले व्लॉग में थोड़ी सी वॉइस की थी, तो आप लोग वो व्लॉग भी जाके देख लें, तो फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है और इस व्लॉग की वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है, ठीक है या नहीं. क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन में तो बिल्कुल ठीक आवाज़ आती है, जब मैं एडिटिंग करती हूँ तब भी मुझे बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है, ऊँची आती है, कोई शोर भी नहीं सुनाई देता है. तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रही है. तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी कैसी है. ठीक है जी, अब मैं ना कैमरा सेट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सब ओपन करके. ठीक है जी, चलो चलिए चलिए जी अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया, लाइट शेड्स थोड़ी ऑन कर दी है, और अब जो है ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो सबसे पहले जो है ना ऐसा करती हूँ, मैंने पीछे चीज़ें रख दी हैं. सबसे पहले मैं ये वाला पार्सल है ये ओपन करती हूँ, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है.
कैंची ले आई हूँ, इससे हम कट कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए भाई मैंने खोल लिया है ये और देखते हैं जी। ये देखिए जी, ये मैंने एक ट्रे मंगवाई थी, वुडन ट्रे, और कैसी लग रही है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने द्रास से ऑर्डर की हुई हैं, होम डेकोर की सब चीज़ें मैंने द्रास से ऑर्डर की हुई, और सब चीज़ों का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और ये वुडन ट्रे जो है ना मैंने बड़े ही सोच के ये ऑर्डर की थी। ये ट्रे मैंने किस लिए ऑर्डर की है, ये एक्चुअली थोड़ी डेकोरेशन ट्रे होती है डेकोर के लिए, जैसे आप टेबल वगैरह पे रख लो या किसी चीज़ में भी, किचन में भी रख सकते हो, डाइनिंग पे रख सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए ना आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप कुछ भी टिशू बॉक्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें, और ये इस चीज़ के लिए मैंने मंगवाई है बेसिकली। और ये मैं आपको दिखाऊंगी सेट वगैरह करके कि ये मैंने किधर के लिए मंगवाई है, ठीक है। और ये आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी मैं सब चीज़ें सेट करके भी। अब जी नेक्स्ट वाला खोल लेते हैं। नेक्स्ट है ये है अंदर क्या हो रहा है इसके छन छन। ये मैंने मंगवाया है टिश्यू बॉक्स। ये देखिए कितना क्यूट है ये वाला। ये मैंने टिश्यू बॉक्स मंगवाया है लाउंज के लिए, और मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है ये, बहुत प्यारा है। अच्छा, इसके अंदर जो हो रही है ना छन छन, वो स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग अभी अटैच नहीं है, तो इसको हम जो है वो चेक करते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है जी, ये इसके अंदर स्प्रिंग है, और ये है जी इसके नीचे वाला हिस्सा, और ये इसके ऊपर वाला हिस्सा। बहुत ही क्यूट है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही मजबूत सी है और काफ़ी शाइनी और बहुत क्यूट लग रहा है। आप लोगों को कैसे लग रहा है, मुझे तो ये बहुत क्यूट सा लग रहा है। तो चलें इसको बिना मैं सेट करके दिखाऊंगी। ये देखिए इसके बीच में ये चीज़ें लगी हुई हैं, और इधर ये सेट होगा स्प्रिंग, और फिर टिश्यू बॉक्स रख लें आप अंदर, और इसको इस तरह से बंद हो जाए। ये देखें जी, ये इस तरह से होगा, और ये कितना क्यूट लग रहा है। चलिए जी अब ये वाला बॉक्स ओपन करते हैं। इसको मैंने एक्चुअली ओपन किया था क्योंकि जो है ना वो मैं देखना चाह रही थी कि ठीक है कि नहीं, तो इसके अंदर जो है ना ये इस तरह से थोड़ा गनचंद है, तो ये मैं ज़रा आराम से निकाल लेती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखें, एक ये निकला है इसके बीच में से, और क्या है, काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा हुआ है। ये देखिए जी ये है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। ये है जी वास, क्यूट सा पॉट कर लें जो भी कह लें इसको, और उसके साथ है जी उसकी ट्रे, बड़े अच्छे से पैक किया हुआ है। ओह माय गॉड, इतना क्यूट है छोटा सा। ओके, ये देखिए जी, वाओ, ये देखिए कितना क्यूट है। और इसके ऊपर जो है ना ये गोल्डन गोल्डन है, बट आई अल्लाह ये तो पता नहीं हाथ पे लग रहा है मुझे। खैर जी, ये इसके ऊपर जो वो गोल्ड गोल्ड सा डिज़ाइन होता है ना वो है, और लेकिन वो मेरे हाथ पे लग रहा है, लेकिन ओवरऑल इसकी क्वालिटी और बहुत ही छोटू सा है, क्यूट सा है। ये देखें ये मेरा हाथ है, उस हाथ जितना है ये, इतना प्यारा सा। और साथ है जी इसकी ये ट्रे, ये भी चेक करते हैं। अच्छा, मेरे हाथ पे लग रहा है। ओवरऑल वैसे तो क्वालिटी अच्छी है इसकी, सब कुछ सही है, लेकिन ये पता नहीं जो भी गोल्ड गोल्ड है ना ये मेरे हाथ पे लग रहा है, पता नहीं, मुझे लगता है शायद ये मौसम की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो उसकी वो गोल्डन वाली चीज़ है ना वो मुझे लगता है वो मेल्ट हुई है गर्मी से, आई थिंक सो, पता नहीं किस चीज़ से। तो अब इसकी जो है ना ये ट्रे है, ये भी ओपन कर लेते हैं। ओवा, ये देखिए जी ये इस तरह है, और इस तरह से इसके ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये टू का पैक था, सेट था, ये साथ इसके है, और इधर आप कुछ भी कैंडल वगैरह, या वो मैंने सोचा था कि मैं कैंडल लूँगी और यहाँ पे कैंडल रखूँगी, लेकिन इसके साथ कैंडल नहीं है, इसके साथ सिर्फ ये पॉट है, और साथ है जी ये ट्रे, और ये उस चीज़ के बनी होती है जिससे ये सीलिंग वगैरह बनती है ना, और सेरेमिक कहते हैं ना आई थिंक सो इसको। तो ये देखिए इस तरह से है, तो ये थोड़ा नाजुक है लेकिन टूट सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, कि पैकिंग बड़ी अच्छी हुई है और बड़ा अच्छे से है, लेकिन आई थिंक पता नहीं है इसका गोल्ड गोल्ड क्यों उतर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके
इसको चेक कर लेंगे, शायद ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब हम ये ओपन करते हैं। ये मैंने इस पॉट के लिए बीच में रखने के लिए मंगवाए हैं। ये फ्लावर्स मंगवाए थे मैंने, वो इसकी तो बहुत ही बड़ी डंडी है लेकिन ये मैंने क्यों, वो तो छोटू सा है, ये मैंने इसके अंदर रखने के लिए मंगवाए थे ये वाले फ्लावर्स, मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मेरा बड़ा दिल था कि ये हो, तो मैं जो है वो, अब ज़ाहिर अभी मैं कहीं जा भी नहीं सक रही थी, बच्चों के स्कूल भी खुल गए थे, तो जो दराज़ है ना वहाँ पे मैंने देखे तो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो क्यों ना दराज से ही ऑर्डर कर लेते हैं। बाकी तो मैं फिर कभी जाऊँगी तो फिर मैं होम डेकोर की चीज़ें वगैरह लूँगी, लेकिन अभी तो मैंने ऑनलाइन ही कुछ चीज़ें जो मिल रही थी मैंने मंगवा ली। ठीक है जी, तो अब इसको भी हम सेट करेंगे, इसके डंडा तो काफ़ी लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी ये, और ये वाले, ये डेकोर की नहीं है, ये हैं जी, हाँ ये बच्चों के लंच बॉक्सेस मैंने मंगवाए थे, मैंने नए नहीं लिए अभी तक, मैं बच्चों को जो है वो दूसरे ही देके भेजी हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा लंच बॉक्सेस पड़े हुए हैं और ये ना घुमा भी आते हैं, तो मैंने कहा कि मैं एक न्यू जो है वो अच्छा सा लेके रख लेती हूँ, तो ये मुझे दराज पे बड़ी अच्छी प्राइस में और बड़े अच्छे लगे थे। तो लेट्स सी, अब ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी तो ठीक लग रही है, और ये जी ये देखें, ये इस तरह से इसके हैं, 3 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और साथ में इसके ये स्पून भी है, फोक स्पून दोनों चीज़ें हैं, ये इस तरह से 3 सेक्शंस बने हुए हैं और ये है इसका कवर। सबसे अच्छी जो मुझे इसकी चीज़ लगी थी ना वो ये थी कि इसके अंदर जो भी आप रख के देंगे ना, इधर कुछ रखें इधर रख दें, इधर सैंडविच बिस्किट्स या कपकेक जो भी आप नगेट्स वगैरह जो भी देते हैं बच्चों को वो रखें, तो वो मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि ना जावया क्या करता है कि जब उसके वो नगेट्स होते हैं उसका चूड़ा अगर बिस्किट पर लग जाए या बिस्किट का चूड़ा लग जाए उसके ऊपर नगेट्स के ऊपर या केक के ऊपर ब्रेड के ऊपर पराठे के ऊपर जिस चीज़ के भी ऊपर लग जाए ना, फ्रूट्स वगैरह के साथ मिल जाए, तो उसे ना बड़ी उलझन होती है, वो खाना नहीं छोड़ देता था। तो मैंने ये देखे तो मुझे बड़े अच्छे लगे, एक तो इसका जो है वो साइज़ अच्छा है, लाइट वेट है, और ये वाला साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है कि पूरा सैंडविच आराम से आ सकता है, सैंडविच बर्गर वगैरह, और ये एक छोटा कंपार्टमेंट है और ये एक बड़ा वाला, और ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगी इसके अंदर चीज़ें, तो साथ ये स्पून भी, तो और काफ़ी कम प्राइस पे मुझे मिला था, और मुझे इस तरह से ये वाले जो है ना किसी शॉप पे नज़र नहीं आए इस तरह के ना, तो ये मुझे अच्छे लगे। मुझे किसी में शॉप्स पे देखती रही हूँ, वो दूसरे होते हैं जो क्लिप्स वाले होते हैं वो भी टूट जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, हैवी हैवी होते हैं, और ये इतना लाइट वेट है, इतना लाइट वेट है कि बच्चे का बैग भी हैवी नहीं होगा इसके अंदर लंच देने से, ये काफ़ी लाइट वेट है। मंगवाए थे दोनों के, और इसमें और भी कलर्स थे प्यारे प्यारे, तो मैंने ये वाला कलर मंगवाया, तो और भी कलर्स थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक थे, तो सब चीज़ों के जो है ना मैं लिंक लगा दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इस बॉक्स में जो है ना वो मैं ओपन कर चुकी हूँ, वो मैं यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो उसका क्लिप मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी आप क्लिप जाके देख लें अभी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये मैंने मंगवाए थे इस कंपनी से, ट्यूलिप से, और ये है जी क्विल्ट कवर सेट, ये मैंने अपने बेडरूम के लिए ऑर्डर किया था, ये मुझे बड़ा ही पसंद था, बड़े अरसे से मैं देख रही थी इसको, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया, और ये है जी इसमें एक क्विल्ट कवर है, बेडशीट है और 4 पिलो कवर्स हैं। ये जी मैंने बच्चों के रूम के लिए वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर मंगवाए हैं, और ये थोड़े से क्विल्टेड वाले हैं, ये इस तरह से हैं, तो ताकि ना ये थोड़े से जो है ना मैट्रेसेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, इस वजह से मैंने ये वाले मंगवाए हैं, तो लेट्स सी कि कैसे होते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं, सिंगल में हैं, तो अब जो है ना मैं इनको बिछा के चेक करने लगी थी, ये देखें इस तरह से क्विल्टेड है, मैं कहा शायद थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी आ जाएगी मैट्रेसेस के अंदर, तो अब इसको ट्राई करते हैं, बिछाती हूँ मैं अब। अच्छा जी, तो ये देखें मैंने इस पर बिछा लिया है, और वैसे आपस की बात है कि मुझे जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत ही पतली सी इसकी है लेयर ऊपर, वो जो मैं चाह रही थी थोड़ा सा मैट्रेस सॉफ्ट हो जाता वो वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, और बस ये है कि वाटरप्रूफ लग रहा है ऐसे, बाकी इसके ये इलास्टिक्स हैं जो लगा दिए मैंने, तो ये ओवरऑल इस तरह से है, लेकिन जो मैं चीज़ चाह रही थी ना वो नहीं हुई है, मैं थोड़ा सा भी मोटा हो जाता ना तो अच्छा था, लेकिन ये बहुत ही बारीक है,
बहुत ही पतला है यहाँ से ना, तो इसका मुझे कोई ख़ास इतना फ़ायदा नहीं हुआ है। अब देखते हैं, ये थोड़ा सा सिल्की भी मुझे लग रहा है, पता नहीं अब इसके ऊपर बेडशीट ठहरेगी या नहीं ठहरेगी। पहले तो मैंने ये कवर डाला हुआ था, इसकी वजह से ज़्यादा बेडशीट नहीं हिलती थी, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है, बेडशीट्स हिलती या नहीं हिलती है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो उछलते रहते हैं, बार बार बेडशीट ख़राब हो जाती है। तो अब ये इस तरह से लग रहा है। वैसे ठीक है, अगर जिसको ये चाहिए तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं जो चीज़ चाह रही थी ना, ये वो नहीं हुई है, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है, और किसी ने ये ट्राई किया है कैसा लगा है उसको, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलें जी, ये देखें बच्चों का रूम हो गया साफ़। इस बेड पे भी मैंने बिछा दिया है, इधर भी मैंने बिछा दिया है वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर। ठीक है जी, तो दोनों हो गए हैं सेट, अब मैं अपने रूम में बिछाती हूँ। चलें जी, अब मेरे अपने रूम के ये जो मैंने क्विल्ट कवर सेट पूरा मंगवाया था, ये करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना मेरा क्विल्ट कवर गंदा हुआ है, इसको मैंने वॉश करना है, तो सब कुछ वॉश करना है। ये मैंने जो है वो मैट्रेस कवर ये भी बिछाना है, क्योंकि नीचे वाला अब जो बिछाया हुआ है वो गंदा हो गया हुआ है। तो चलें जी, अब सब कुछ करते हैं, काम शाम करते हैं। ये देखिए जी, ये है जी फाइनल लुक, काफ़ी मुझे पसंद आई है बेडशीट, और मुझे बड़ी पसंद थी ये, बहुत अरसे से मैं देख रही थी, मुझे चाहिए थी। और मैंने ना ये वाला कलर इसलिए मंगवाया है ताकि ना मेरी और भी ग्रीन कलर की बेडशीट्स हैं तो उनके साथ भी चल जाए, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो पूरा कम्फर्टर सेट होता है, मतलब क्विल्ट कवर होता है और साथ में फोर पिलोज, ये काफ़ी जो है वो आजकल एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। पता नहीं इसको क्यों आग इतनी लग गई हुई है सब कुछ इन चीज़ों को। तो खैर, इसलिए मैंने इस तरह का मंगवाया है ताकि ये मेरा बहुत सी चीज़ों के साथ चल जाए। ठीक है जी, तो ये है जी रूम की ओवरऑल लुक। ये थी मेरी चीज़ें जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ये बेडशीट और ये पूरा कवर सेट है, जो मेरे पास कंफर्टर तो था उसका कवर मैंने मंगवाया है, वो बच्चों के वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर ये मैंने मंगवाए थे, ये मुझे बहुत ज़रूरी थे, लेकिन वो मुझे इतने पसंद नहीं आए हैं। लेकिन ये है कि ठीक है, मैं मतलब यूज़ किए हैं तो ठीक लग रहे हैं, इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि ये जिस तरह की चीज़ मैं चाह रही थी वैसी नहीं मिली, लेकिन अब मैं यूज़ किए हैं तो मैंने सो के भी देखा है तो पहले से काफ़ी बेहतर है, तो ठीक है, नॉट बैड। ठीक है जी, तो अभी जो मैंने डेकोर की चीज़ें मंगवाई थी ना, वो मैंने सेट कर ली हैं, तो वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ इस टेबल के लिए मैंने ये सब कुछ मंगवाया था, क्योंकि जो है ना मुझे बहुत ही सादा सा लग रहा था, मैं चाह रही थी थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर और चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ी सी ट्रे मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं छोटी मंगवाऊँगी ना तो उसके अंदर टिश्यू बॉक्स नहीं आएगा, और मैंने छोटा सा प्लांट वगैरह रिमोट सब एक जगह रखने थे, क्योंकि ये ना हर टाइम कहीं ना कहीं चले जाते हैं, मतलब रिमोट किधर गया, ये किधर गया। तो ट्रे जो है ना मुझे लगता है थोड़ी बड़ी आ गई है, थोड़ी सी छोटी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नॉट बैड। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लग रही है। तो इस तरह से जी हमारी ये लुक आई है, और क्योंकि ये जगह जो है वो काफ़ी यूज़ होती थी, और जब आपको ये यहाँ पे अगर खाना वगैरह रखना है तो आप ये आराम से ट्रे उठा लें पूरी और उसको साइड पे कर दें, बजाय इसके कि आपको एक एक चीज़ उठानी पड़े। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें यहाँ के लिए मंगवाई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। और यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये कैंडल रख दी है, लेकिन मैं यहाँ के लिए कोई अच्छी कैंडल मंगवाऊंगी और फिर वो रखूंगी। ठीक है जी, ये थी चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, सब कुछ मैंने ये मंगवाया था। तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, और कैसी लगी, कैसा लग रहा है अब लाउंज, और बाकी डिटेल्स वगैरह भी जो कर्टन्स की आप लोग मांग रहे थे, सोफ़ा की मांग रहे थे, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दूंगी, और वो भी आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, दबा दें, ताकि जो है ना मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। तो इसी तरह किसी भी व्लॉग में मैं जो है ना आप लोगों को ये बता दूंगी कि ये कर्टन्स मैंने कहाँ से बनवाए हैं, कितने के बनवाए हैं, सोफ़ा वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के जरूर दबा देना है। ठीक है जी, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे, लाइक कर दे, लाइक कर दे, लाइक कर दे, और कमेंट भी कर दे, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें आप लोग, उससे जो है वो मुझे बड़ी खुशी मिलती है और बहुत सी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है जी, तो सब कुछ कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर कुछ मज़ीद बेहतरी और कुछ और मैं ऐड करूँ तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है जी, तो बस अब चलती हूँ,
तो इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको कर दे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।